कर लिया रिवाइज। तो क्या है वो सब संडे आया इसलिए। खाना खा क्या है सभी लोग? वेरी गुड। हम भी नहीं खा गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पीछे एक बार रिकैप करते हैं। सब ठीक ठाक हो? अरे हाँ ना तो बोलो जोर से। बोलो यस और नो। जोर से यस और नो। थोड़ा अलर्ट रहो और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो। हार्दिक बोल रहे हैं और हार्दिक ज्यादा समझाते हैं तो चिंता मत करना। और बेचैनी उसे नहीं रखना, एकदम शांति रहना है। किसी को बेचैनी नहीं है सर? दो महीने में कंप्लीट करा दीजिए। बेचैनी नहीं है ना? बेचैनी नहीं रखना है सर, आराम आराम से चलना है। मैं पहले बता देता हूँ, याद रखिएगा जितना आराम आराम से जाइएगा उतना बढ़िया। और बेचैनी होगा तो मेरे पास दोनों इलाज है, मैं बता दूँ, आराम से करा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है हमको, कोई तकलीफ नहीं है। 12 घंटा 14 घंटा हम पढ़ाए हैं, पढ़ाते हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। इसलिए पेशेंस से रखना, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, टेम्पररी चलते और जल्दी के चलते ना 5 साल। एक कहावत है कि हड़बड़ाया हुआ इंसान घंटा बर्बाद करके मिनट बचाने की कोशिश करता है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, एक हड़बड़ाया हुआ इंसान जो जल्दीबाजी में है वो अपना घंटा बर्बाद कर लेता है और मिनट बचाने की कोशिश करता है। मेरे बात दिमाग तक गया क्या? Yes. आप देखना, जिस दिन कभी जल्दीबाजी में आप हो गए ना, उस दिन आप ना बहुत जल्दीबाजी में हो गए, उस दिन देखना आप मिनट मिनट बचाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन एक घंटा तक सोए रहोगे लेट से, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिनट बचाने की, अरे मेरा एक मिनट एक सेकेंड सर, रक्कस है, दिस इज कॉल्ड रक्कस। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। और किसी को बेचैनी हो तो बोल देना, 2 महीने में हम खत्म कर देंगे। हाय किसी को तो हाथ खड़े करिए, कोई तकलीफ नहीं है, किए हैं कर देंगे, एकदम लाई लाल है आपके साथ। बाकी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आराम से चलो यार, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखो, मजे से कवर करेंगे। थीम वन आज नहीं तो कल, थीम वन खत्म करके फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जरा जो जो सब्जेक्ट्स अभी जो हुआ है जो आप पढ़े हैं, मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ एक बार आपके सिर्फ दिमाग में लाने के लिए। एक बार वर्ल्ड मैपिंग, जिस दिन टेस्ट लूंगा ना उस दिन औकात आ जाएगा, ध्यान रखना, जिस दिन टेस्ट लूंगा ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितना रिवाइज किए हैं। वर्ल्ड मैपिंग IR सिर्फ सब्जेक्ट अभी लिख रहा हूँ जो आप इतने दिनों में जो देखे हैं। इकोनॉमिक्स याद है, फिएट मनी के लीगल टर्म भूल गए, याद है ना। एनवायरमेंट इकोलॉजी अभी सिर्फ सब्जेक्ट में नॉर्मल सिर्फ आपको लिख रहा हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी मान लो पॉलिटिकल थोड़ा सा स्टार्ट किया था लेकिन फिर भी नग्न मान के चल रहा। फिर उसके बाद CSAT, अरे CSAT का ब्लड रिलेशन ओवर। तो आप ना हमेशा ये देखिए कि जितना हुआ है उतने में से आपने कितना आपके दिमाग में है और कितना रिवाइज किया है। इंसान का एक फितरत होता है, जो मिल गया उस पर ध्यान नहीं रहता है, जो नहीं मिला उस पर ध्यान रहता है। क्या बोला था यहाँ देखना? मना है। आपको ये देखना है कि सर दिमाग में रखना है इस चीज को कि जो है हमारे पास उसको देखिए कि उतना रिवाइज है कि नहीं है। बच्चा का ये इंटेंशन टेंटेटिव हमेशा होता है कि सर ये नहीं हुआ है उसको उसको ध्यान में है, जो कि 10% है, जो हो गया है 90% उस पर ध्यान नहीं रहता। इसीलिए आप लोग फर्स्ट ईयर से हैं, आराम से चले स्मूथली। और देखो इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, बॉयज में जनरली ज्यादा हड़बड़ाहट होता है और ये साइकोलॉजी है, हम ही तो लड़का ही है भाई। लेकिन हाँ आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेबिलिटी भी बॉयज में कम होता है, और ये मैं नहीं बोल रहा भैया मेरे को नहीं बोलना, मतलब स्थिरता बॉयज के दिमाग में बहुत तोड़ फाड़ चलेगा बहुत, बट गर्ल्स का माइंड। इसलिए मैंने क्या बोला कि जब आपके भाई और बहन होते हैं और जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 साल 2 साल 1.5 साल के हैं डिफरेंस गैप है, तो उसमें लड़कियों के अक्सर केसेस में मेजोरिटी रेयरेस्ट हर जगह होता है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, जनरली लड़कियों को ज्यादा नंबर आएंगे क्योंकि उनका दिमाग स्टेबल है। सर लड़का क्या है, रूम में वैसे ही तौलिया उधर, जूता उधर, टाई उधर, कहीं और, ठीक। और लड़कियों का दिमाग एक जगह होता है कि सर पढ़ना है आराम से, भरोसा है, आराम से करते जाएंगे, उनको कोई दिमाग नहीं है। बच्चे के दिमाग क्या है, लड़के के दिमाग बहुत चले, सौरजी रोहन की बात नहीं है, सर जी के शादी बेलवा की ना, सर जी के कह के वो गर्लफ्रेंड है, अरे भाई सर जी का जो भी है, सर जी उधर साइड में,
सिंपल सा लॉजिक आपको मैं ये सब बातें क्यों बताता हूँ, एक ही लॉजिक है और मैं हमेशा बताते रहूंगा आपको। जब ज्यादा समझाता हूँ ना तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है हल्का फुल्का है आदमी, मतलब भाई आपको जो भी लगे एक टीचर का एक प्रायोरिटी है, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको सारा कुछ जानने का हक है जिससे आपका लाइफ स्मूथ हो जाए, और हम वो बताएंगे। अब आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो आप जानिए, वो आपका टेंशन है। अगर हम दुनिया का टेंशन लेंगे जो उसका काम है, क्या काम है, दुनिया का काम है बोलना, अगर हम भी उसका सोचेंगे तो फिर उसका काम हम क्यों करें, हमारा काम कौन करेगा। तो लॉजिक आपको क्यों बता रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर से हैं अभी से माइंड सेट क्लियर रखिएगा। और आपके स्टडी टेबल, और मैं एक दिन बोला कि एक दिन जिस दिन वक्त मिलेगा मैं घर पे आऊंगा, एक बार देखूंगा कि आपके स्टडी टेबल या आप पढ़ते कैसे हैं, उस पढ़ने और तरीके से देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं और आगे आपका फ्यूचर क्या है, तरीके से फर्क हो जाएगा। तो आपको पहले ही जान बुझ के ज्यादा समझाने का लॉजिक है, फर्स्ट ईयर में है, मिट्टी होता है ना मिट्टी जैसे है, जैसे उसको आप जाइएगा वैसे जाइएगा। बाकी थर्ड ईयर वाले को ज्यादा मैं समझाता नहीं, दो ही टाइप के लोगों को समझाता हूँ, एक जो शुरुआत में है वो और जो सबसे लास्ट स्टेज में है वो, जो दुनिया देख चुका है और समझ चुका है कि बेटा चारों ओर से घूम लिए हैं अब चुपचाप पढ़ के रिजल्ट दे लेते हैं, बहुत हो गया तूर पार। तो इसीलिए सर आराम से फेसेस, कोई हड़बड़ाहट नहीं है ना, अरे जोर से बोले ऐसा रो, तो सर हड़बड़ाहट मतलब नहीं रखना है, और है भी तो साइड हटा देना। बाकी आप अगर चाहते हैं कि सर हम इससे ज्यादा कवर कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, मैं और हमेशा बोलता हूँ मेरे आप तीनों बैच में आगे कवर करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, कहीं अलावा कुछ नहीं होता, एक बैच से दूसरे बैच में अगर आप में कैपेसिटी है कि हम 8 घंटा पढ़ रहे आप आइए, तीनों में आपको पूरा देंगे, पूरा खुले आम सर पढ़ने पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बैच में ही एकदम रेडी रखे आइए, पढ़िए पढ़ के जाइए, हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सर एक बैच को आराम से फॉलो करके आगे चलिए, नहीं तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर कल जो मैंने पढ़ाया था और ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है ना, ये सब्जेक्ट एक बार कॉपी पर लिखिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सर आप क्या पढ़े हैं और आपका रिवीजन कितना, एक बार लिख लीजिए कि हूबहू थोड़ा आईना मिले और थोड़ा आइडिया लगे कि सर क्या है, क्योंकि एक अचानक से जब टेस्ट लूंगा उस दिन कहिएगा ना सर ना सर ना सर, सर उस दिन नहीं होगा, कभी भी अनफॉर्चुनेट टेस्ट मिलेगा आपको, इससे रिलेटेड जितना पढ़ाया मैं उतना ही पूछता हूँ, जो मैं नहीं पढ़ाया मैं नहीं पूछूंगा आपसे, सिंपल लॉजिक है अपना, जो यूपीएससी पूछता है वही पढ़ाऊंगा, जो यूपीएससी जानता है वही आपको बताऊंगा, इसके अलावा हमारे लिए ना इक्वल है ना हमारे लिए बराबर है, ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉलेज लेने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन हमें आईएएस बनना है, नॉलेज नहीं लेना है, क्लियर बात, आगे आइए। तो सर कल का हम स्टोरी शुरू करते हैं और आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्या आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं है, पहले जोर से बोलिए यस और नो, यस सर, चिल्लाते रहना सर, चिल्लाते रहना एकदम। तो पहला पॉइंट पीछे लैटिट्यूड क्लियर है, ये लिख लिए पहले लिख लिए, इसमें और भी कुछ छूट रहा है क्या, देख लेना और भी कुछ छूट रहा है तो ठीक है, नहीं छूट रहा होगा तो सर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा फिर एक दो दिन में, आपके सारे सब्जेक्ट्स मैं सब खोल दूंगा ओपन करके, पूरे ओपन सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री को मैं हमेशा बाद में अप्रोच करता हूँ, हमेशा मेरा हमेशा शुरुआत से मेरा अपना टेक्निक है, हिस्ट्री को हमेशा लास्ट में पढ़ाने का कारण है, उसके बहुत सारे कारण है। तो फिर भी मैं लेकिन कोशिश इस बार करूंगा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा पहले करूं और लोगों के कॉम्पिटिशन में कुछ और चीजें सोच के, ठीक है, कुछ मैं आपको इसमें तड़का लगाने वाला हूँ साइंस एंड टेक का, कुछ तड़का मैं लगाने वाला हूँ इसमें मे बी इंटरनल सिक्योरिटी का, जो स्टार्ट भी किया है वो भी तड़का आप लोगों को पहले लगा दूंगा। तो सर आपको ना समेटने में इंटरेस्ट होना चाहिए, समेटिएगा कैसे समेटाना है, देखते हैं कितने लोग समेटते हैं कितने लोग समेटा जाते हैं, समेटना है कि समेटाना है, समेटना है सर, समेटते रहिएगा और हर दिन एक एक करके रिवाइज करेंगे, टारगेट अभी से एक ही रखिएगा। न्यूज़पेपर मैंने नहीं बोला था लेकिन मैंने करंट अफेयर के लिए बोला था कि जिसके पास न्यूज़पेपर अगर है वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, खाली नहीं समझ में कुछ भी नहीं, खाली देख लीजिएगा हेड पेज, बस दैनिक जागरण मत देखिएगा भाई, द हिंदू मिल जाए ऑनलाइन कहीं से तो ले लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिया और नहीं वो तो मैं भेज दूंगा, और आराम से उसको खाली ऊपर का देखिएगा, कुछ भी समझ में नहीं है फिर भी बुझा रहा है, अरे है ना, देखते रहना है बस, बाकी पढ़ाने के बाद सब समझ में आएगा। आगे चलिए, लैटिट्यूड टोटल कितना था, बोलो यार बोलो कितना, 181, सब बोलो मैं बता दे रहा हूँ, लैटिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूड 360, लॉन्गिट्यूडनल लाइन 360, ठीक है यहाँ तक। कल मैंने आपको बताया था कि सर अगर किसी भी कंट्री का लोकेशन निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं आप, पहले लैटिट्यूड देखना है फिर लॉन्गिट्यूड देखना है, मतलब कि एक्स और वाई और सर से देख लेना है, लैटिट्यूड के लिए ये वाला पॉइंट, लॉन्गिट्यूड के लिए ये वाला पॉइंट, लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट में होता है कि नॉर्थ साउथ में, अरे बोलो यार, सर अगर किसी कंट्री का मैं बोला हूँ कि 27 डिग्री वेस्ट में है, इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूड बोल रहा हूँ कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो आपको एक एक शब्द क्लियर होगा हर किताब का जो भी पढ़ेंगे, चाहे कोई किताब पढ़े। चलिए तो अब यहाँ से एक नया आज कारवां शुरू हो रहा है और ये कारवां सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने कल बोला था आपको कि लॉन्गिट्यूड का संबंध
टाइम से है, किससे बोला था टाइम से, और लॉन्गिट्यूड का ऑल्सो रिलेशन किसके साथ है, डेट के साथ। पहला मैं एक चीज बना रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या समझना है कि अर्थ का जो मूवमेंट है, जो पृथ्वी का रोटेशन है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से किसके तरफ, पूर्व की तरफ। तो पहला आप आराम से पहले लिखो, अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट, पहले लिखो एक लाइन, पश्चिम से पूर्व। और आज एक पेज ओपन करके आप लोग रखेंगे, फीडबैक अपना अपना देंगे आज, ठीक है। आपको क्या अच्छा, क्या कमी लग रहा है, क्या बुरा, क्योंकि आपको कुछ अगर लग रहा होगा आप लोग अभी अपना देंगे सजेशन, और चिंता मत करिए आराम से सजेशन ओपन दीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज अभी आपको होगा सुने ध्यान से, मैं हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते भूल जाऊं, इसीलिए आप अपना अपना एक पेज निकाल के साइड में रख लीजिएगा, आप उस पर लिख के अपना अपना मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। और ऑनेस्टली एकदम, सर जी बहुत अच्छे ने, आपके अच्छे बोले से ना मैं अच्छा मानता हूँ, आपके बुरे बोले से ना मुझे बुरा फर्क पड़ता है, मुझे सौ लोग बोलता है बहुत बढ़िया आदमी हम नहीं माने। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, पहले ये वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट लिख लीजिए, अभी वही मौसी पे आने वाला है। तो अर्थ का रोटेशन, मैंने रोटेशन बोला है कि रिवॉल्यूशन बोला है, रोटेशन का कल मीनिंग समझा दिया था, अपने एक्सिस पे नच रहा है, और ऐसे नचते 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 जो सूरज के चारों तरफ आ रहा है वो क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। तो अर्थ का ये हुआ क्या, रोटेशन। तो रोटेशन पश्चिम से पूरब की, पूरब से पश्चिम, वेस्ट से ईस्ट, इधर इधर, वेस्ट से ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, बुझा रहा है। लेकिन सर जैसे आप घड़ी का देखते हैं, घड़ी तो मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहा है, ये 3, ये 6, ये 9 मान लीजिए, ठीक। तो घड़ी कैसे बजेगा, मान लीजिए ये ऐसे ही जाएगा ना जी, यानी कि ऐसे जाएगा, अरे हाँ ना, जैसे शब्द बोलते हैं क्लॉक वाइज, घड़ी के अनुसार, क्लॉक वाइज घड़ी के अनुसार, मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है उसके अनुसार। तो मुझे बताओ घड़ी यूं चल रही है और अर्थ का रोटेशन यूं चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है कि उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। सर एक होता है वायरस, एक होता है एंटीवायरस, तो जब घड़ी के अनुसार चले तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, और जब घड़ी के अनुसार नहीं चले तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। तो अर्थ का रोटेशन क्लॉक वाइज होगा कि एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज लिख लीजिएगा कि अर्थ का रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या, एंटी 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 आंटी नहीं है, आंटी नहीं है, एंटी है, वैसे आंटी भी वही होती है, ठीक है, जो एंटीवायरस काम करते हैं उसमें थोड़ी जानती, लेकिन सब आंटी ऐसे आंटी लोग होती है, दुल्हन माचिस जो जीवन में आग लगा दे। अक्सर ऐसा बोला जाता है, हमने बोला नहीं है ये बोला, ये बात जो बोला गया इसलिए इसमें हमारी सहमति कहीं से नहीं है, क्योंकि हमको लगता है दुल्हा माची सबसे ज्यादा आग लगाता है, ये हमारा अपना मानना है, इसमें हमारी सहमति है, क्योंकि दुल्हा माची सर सिर्फ जीवन में आग नहीं लगाता, घर में भी आग लगाता है, बुझा रहा है। अब आंटी जो है, आंटी जो भी है जैसे भी है, स्वीट है, अच्छी है, प्यारी है, ठीक है। अब घर जाने के बाद पता चलेगा हमें ना फील होता नहीं था कि क्लॉक वाइज भाई चल गया रहा है, तो क्लॉक वाइज का सिंपल मीनिंग है जिस तरह से घड़ी चल रहा है, घड़ी के अनुसार, क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज अनुसार, घड़ी के अनुसार, तो घड़ी के अनुसार जो चल उसको क्लॉक वाइज बोलेंगे, और घड़ी के जो उल्टा चल उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ तक पहले क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं जो भी बात किया हूँ उसमें मैंने बात किया है रोटेशन का, यानी कि रोटेशन मतलब क्या है, एक है रोटेशन, एक होता है चक्रण, और एक हो गया परिक्रमा। तो परिक्रमा दैट इज रिवॉल्यूशन। तो दो शब्द मैंने बोला है, एक बोला है रोटेशन और एक बोला है मैंने रिवॉल्यूशन। रोटेशन और क्या, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का हिंदी में, और देखो जब हिंदी में नहीं आए तो समझ में थोड़ा सा, मैंने पहले ही बोला मेहनत करना है, मान के नहीं चलना है कि हम हिंदी में पढ़वे नहीं करेंगे, लिखवे नहीं करेंगे, इंग्लिश अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं मानना है, आराम से चीजों को लिखना है, लिख के थोड़ा जाके मेहनत करना है, करना पड़ेगा, IAS बनना है तो करना पड़ेगा, सीखिए। सर जी नहीं आता, सर जी नहीं आता, अरे सीखिए भाई, आप सीखने आए हैं, नहीं आता तो सीखना, अगर IAS बनना है तो नहीं बनना है मत सीखिए, आपको पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा, सर जी नहीं काम करेंगे मत कमाइए, भूखे मरिए। तो लॉजिक क्या है, नहीं आता तो सीख,
सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, सीख सीखने का बस दिमाग रखिए। रोटेशन क्या बोला हूँ, फिर क्या बोला हूँ, रिवॉल्यूशन। देखो अभी के लिए मैं सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आया तो बताना। रोटेशन का मीनिंग मैंने बोला कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे, जो अपने सतह, जो अपने क्षितिज पे जो नच रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रोटेशन। और रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, उस सूरज के चारों तरफ जो घूम रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रिवॉल्यूशन। तो अर्थ के रोटेशन जो होता है इसके कारण डे और नाइट होगा, दिन और रात। इसके कारण क्या होगा, डे नाइट। तो अर्थ जो है वो आमतौर पे ये जो समय लेता है वो लेता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड एक रोटेशन को, मतलब जहां से ये रहा, जहां से चला वहीं पे पहुंचा, मतलब ये एक्सिस रहा, यहां यहां से चला यहां पहुंच गया, कितना लिया, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। सर कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए सर ज्योग्राफर ने बोला अप्रोक्स 24 घंटे। कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना बॉस, एक घंटे में 60 मिनट निकालो तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, तो बेसिकली दिक्कत हो जाता है, इसीलिए अप्रोक्स हमने कितना मान लिया, 24 घंटे। बट एक्चुअल जब आपसे पूछे तो एक्चुअल कितना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पहले यहां तक क्लियर है तो हाय ना बोलो सभी को, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आएगा आपको, जीवन का पूरा भरपूर आनंद मिलेगा कसम से। चलिए कुछ शब्द आएंगे, नए नए आएंगे, मजे आएंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आएगा, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके से शब्द आएंगे। फुटबॉल जानते हैं आप लोग, जानते होंगे। अच्छा ईमानदारी से सब लोग प्लीज यार एक बार जोर से बोलना अगर आपको ठीक ठाक अभी फील हो रहा है तो, मतलब कि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जोर से बोला, यस ऑर नो। फुटबॉल जो होता है ना अंधेरे में, जब फुटबॉल पे आप टॉर्च जलाओगे अंधेरा में, धूप में नहीं भाई अंधेरा में, तो एक तरफ तो लाइट रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, अंधेरा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी लिखना मत, आगे बता दूंगा मैं, बस हिंट दे रहा हूँ, आगे बताऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ शब्द इस बार पूछा था, जैसे यूपीएससी में और बीपीएससी में, व्हाट इज एल्बिडो, एल्बिडो शब्द आएगा आगे, ठीक है, वो सब बताऊंगा। सब ऐसे ऐसे शब्द हैं जो एकदम डायरेक्टली पूछ लेता है, नहीं आता है। एल्बिडो का सिंपल मीनिंग होता है कि जब भी सन का लाइट अगर व्हाइट बर्फ पे, जैसे ग्लेशियर है, बर्फ पे पड़ेगा, तो सर सन का लाइट किसी उजले चीज पे पड़ता है तो लाइट उसका वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है, लगभग लगभग मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसीलिए गर्मी में हम लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सूती के और व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि सर सन का लाइट, सर गर्मी में ब्लैक पहन लो, ऊपर से लेकर करिया चश्मा, करिया शर्ट, करिया पैंट, करिया जूता, और धूप में निकल जाओ। काला चीज जो होता है वो क्या करता है, लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कोई चीज काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि सर एक कलर का तरीका है, कलर का तरीका ये है कि हर वस्तु अपने में से प्रकाश निकालती है, हर वस्तु, सुन रहे हो क्या, हर ऑब्जेक्ट अपने में से एक प्रकाश की किरण निकालते रहती है। तो सर अब सन का लाइट पड़ा तो क्या हुआ, उस चीज ने सारे लाइट को क्या किया, ऑब्जॉर्ब कर लिया, और जब सारा लाइट ऑब्जॉर्ब हो गया तब उनको कलर दिखता है, वो कौन सा कलर होगा, ब्लैक। अगर सर सन का लाइट आया और रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होकर मान लो येलो, उसका रिफ्लेक्ट अपना कलर येलो किया तो येलो दिखेगा। इसीलिए सर जनरली आपको मैंने क्या बोला, ठंड में अगर आप अभी हैं तो काले कपड़े आप यूज करके धूप में जाएंगे तो आपको खूब गर्मी लगेगा। गर्मी में कभी काला पहन के चल जाएगा ना तो काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, वहां गाना गाइएगा लेकिन सर अंदर पसीना ही पसीना आपका हो जाएगा, वाई गॉड। तो सर यहाँ बताना मुझे सिर्फ ये है कि रोटेशन का मीनिंग 23 घंटे 56 मिनट और कितना होता है, 4 सेकंड। अब आते हैं सर रिवॉल्यूशन पे, तो बताना जरा, इसके कारण तो दिन और रात हो रहा है लेकिन रिवॉल्यूशन के कारण क्या होगा सर, यस, यानी कि साल दर साल चेंज होगा, सीजन्स भी चेंज होंगे। सर हमेशा इस ज्योग्राफी में एक बात पहले ही बोल देता हूं, कभी किसी चीज पर ना सख्त नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, क्योंकि ज्योग्राफी में जब हम यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है फिर भी अप्रोक्स कितना माने हम, 24 घंटे। आपको सर काय मानेंगे, सर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड मानेंगे। इसलिए मैंने बोला ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है, अप्रोक्सीमेट में जाना है, तभी ज्योग्राफी समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिवॉल्यूशन में कितना बोला, साल दर साल चेंज होगा, अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो सर आप बोलोगे कि सर एक साल में कितना दिन होता है, बोलो भाई, बहुत बढ़िया, एक साल में होता है 365 days 5 hours, लिखो
365 days, रुक जाओ, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। अब ध्यान से समझना, यहाँ लॉजिक आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। हम लोग खाली गिन रहे थे 365 दिन, 365 दिन, बहुत कुछ है समझना है। 9th और 10th का ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं ना, 365 दिन लिख दिए हो गया, इसलिए बोले बड़े हो गए हैं तो बड़ा जैसा फील करिए, बचपन नहीं, फिलहाल बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना यही होगा, यही होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट लगता है अर्थ को सन का एक चक्र मारने में। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करना, कितना दिन, 365 days, 5 hours 48 मिनट, मतलब कि 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, देखना, तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट को क्या हम अप्रोक्स 6 घंटा मान सकते हैं? भाई 5 घंटा 50 मिनट हो गया, मैंने 12 मिनट बच रहा है, अप्रोक्स 6 घंटा तो मान ही लेंगे ना। अरे यस सुनो, जो जो ले सुनो, तो 5 घंटे को हमने मान लिया अप्रोक्स कितना, 6 घंटे, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे, अरे बोल सकते हैं ना, तो 4 साल में 365 दिन तो होगा 6 घंटा, 4 साल में 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, तो एक दिन जुड़ गया, इसीलिए लीप ईयर कितना साल में आएगा, 4 साल, 366, अरे बुझा रहा है कुछ, तो हम लोग रटे रहते का 365, 365, 365, अरे याद कर लेते हैं, लीप ईयर 366, 366 क्यों हुआ नहीं पता है, रटा हुआ है बस, हाँ पता है, आई नो सर एवरीथिंग। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मतलब अगर मैं ओवर एक्टिंग में करूँ कोई बात नहीं है, करेंगे भाई, समझ में आ रहे, बड़े बड़े IITian ओवर एक्टर होते हैं, राज्यपाल ओवर एक्टर हैं, प्रेसिडेंट ओवर एक्टर हैं, ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं है, बट फैक्ट इज कि यू मस्ट नो द रीजन कि वो क्यों है, दैट इज द पॉइंट, बाकी ये सारा कुछ ऑलरेडी रहता ही है किताब में, ऐसा थोड़ी नहीं रहता है। तो सर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट एग्जैक्ट लगता है उसको, उसको हमने अप्रोक्स 6 घंटा माना, 4 साल में ये 6 घंटा, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 घंटा, 24 घंटा पर कितना, एक दिन, तो 4 साल में, इसीलिए 365 में एक दिन जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 366, और उसी को क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और सीसेट पढ़ाते समय मैंने आपको उसी दिन बोला था, लीप ईयर के क्या मीनिंग होता है, 29 फरवरी, और उसके बाद एक दिन बढ़ जाएगा, और सर 29 डेज तो होगा ही फरवरी में, प्लस 366 डेज हो जाएगा, और दूसरा बोलता कि 4 से डिवाइड अगर कर जाओगे पूरी तरह से कट जाता है, तो लिहाजा क्लियर है, कितनों का समझ में याद करे करो, सर क्यों लीप ईयर 4 साल में ही क्यों आता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, हम बोल देते हैं आराम से आम भाषा में, 4 साल के बाद कहा आएगा लीप ईयर, जिस किसी का बर्थडे स्कूल में कोनो का होता था, समझ में आ रहा है, 29 फरवरी को, भाई जिस दिन उसका बर्थडे होता था ना, असेंबली में स्पेशली चिल्लाया जाता था, अरे यार फलना का बर्थडे बारे बनाओ से, ताकि 4 साल में एक बार आया, मजाक बात है। और सर उस दिन उसका और किसी का हो नहीं हो, सर वो पार्टी जरूर देता था, भाई गॉड भले बेच के दे चाहे जैसे दे, जबरदस्ती लेता था दे, अच्छा गिफ्ट नहीं देगा, लेकिन चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट आदमी है सब। तो सर रोटेशन में कितना, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, और रिवॉल्यूशन में कितना लगेगा, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, जो कि अप्रोक्स 6 घंटा हुआ, और 4 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए लीप ईयर 4 साल में, 8 साल में, 4 साल में, तो 4 साल में जब आएगा तो 366 दिन हो जाएगा। ये फैक्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से इस रोटेशन रिवॉल्यूशन में अभी बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा हिंट पहले इसलिए दे दिया हूँ कि पहले थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, आम आदमी से उठ के आप थोड़ा इधर आ जाए, नहीं तो जैसे लोग पूछते हैं लीप ईयर 4 साल में आई और बोला कितना 29 दिन, अब दूसरा सामने वाला समझदार हो तो पूछता ना कि 4 साल में क्यों आएगा, तब आप कहते तब हमको सर के पास जाना पड़ेगा। चलिए बोर हो रहे हो क्या, अलर्ट रहो एकदम, चलो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा जीवन कारण लेते हैं। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्लियर है, रोटेशन का सिंपल मीनिंग है डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन से होगा कि रोटेशन से, यही रहो भाई यही रहो, रोटेशन से होगा, और सर पूरा साल चेंज किससे होगा, रिवॉल्यूशन से। और ज्योग्राफी में एक बात याद रखिएगा, ज्योग्राफी में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म, जैसे कि दो वर्ड, एक और फेमस पहले ही आपको बता देता हूँ, दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। अब गांव में लोग पढ़े लिखे होते हैं तो कह रहे हैं आजकल लेदर हुआ ठीक बा, अब जैसे लेदर गांव गांव है तो गांव में पढ़ी लोग,
अब एक आदमी क्या है, वो न्यूज पेपर पढ़ रहा था, आपको सुनाया था एक बार याद है, वो न्यूज पेपर पढ़ रहा था ठीक है, और न्यूज पेपर ट्रेन में पढ़ रहा था, हुई देखो देखो तो गाड़ी उल्टा चले वाला है, देखा कि न्यूज पेपर में उल्टा पकड़ा हुआ था वो, तो क्या है सीधा करा तो सर ऐसे ऐसे वो एकदम एक्साइटेड होकर बोल रहा है, कहीं देखिए नया गाड़ी है उल्टा चलने वाला, तो बोला भाई न्यूज पेपर सीधा कर लो कांड हो जाएगा, आप समझे उसका बेइज्जती क्या होगा, तो सर लेदर नहीं होता है, क्या होता है वेदर, वेदर का मीनिंग है और क्लाइमेट का मीनिंग मोटे मोटे स्तर पर भी समझ लीजिए, वेदर का मीनिंग है टेम्पररी और काफी टेम्पररी चेंज जो डे बाय डे होता है, जैसे अभी धूप है सडनली बारिश हो गया, समझ रहे, अभी धूप है फिर बारिश है छांव हो गया फिर एकदम से अंधेरा हो गया, मतलब कहने का ये कि वेदर जो है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है, डे टू डे बेसिस पर अकस्मात, बट ज्योग्राफी में जब भी आपको कोई चीज पढ़ना और सीखना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करिएगा, उसको बोलते हैं क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जैसे हमने बोला कि पूरे साल में कितना बारिश हुआ है और हमने बोला कि एक दिन में या 15 दिन में कितना बारिश, दोनों फर्क समझ में आ रहा है, तो जो डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहा हो उसको बोलते हैं वेदर, और जो पूरे लॉन्ग टर्म हॉलिस्टिक देखते हैं कि साल में 10 सालों में कितना चीजें हुआ है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लाइमेट, हमारा सारा ज्योग्राफी का फोकस क्लाइमेट पे है, और इस दुनिया में जितना भी ज्योग्राफी का, सर एक दिन में तो ऐसा नहीं है ना, अर्थ मैंने आपको पढ़ाया था पेंजिया पैंथलासा, अरे बताया था पेंजिया पैंथलासा के कैसे, मैंने बोला कि आज जहां पे हम लोग हैं एशिया आज जहां है वहां कभी था ही नहीं, अफ्रीका जहां आज है वहां कभी नहीं था, तो सर वो एक ही दिन हो गया वो क्या, नहीं सर उसको मिलियन बिलियन ईयर लगे, तो सर लॉन्ग टर्म, इसलिए ज्योग्राफी में लॉन्ग टर्म होता है, रातों रात कुछ भी नहीं सोचना है कि रातों रात हो गया होगा, सुबह उठे हिमालय चरणों में आ गया है, ऐसा कुछ सोचना समझ में आ रही है, हाँ मतलब कहने का मीनिंग क्या है, इट टेक्स टाइम, ठीक है चलिए, जब मैं आपको हंसा दूं हंस लेना और हंस कर फिर फोकस उसी पे कर लेना जहां बता रहा हूं, तो सर रोटेशन इवोल्यूशन क्लियर है, यहां से सर मेन आपको बताने वाला हूं जो सबसे टफ है और सबसे मजेदार है, तो चलिए अब एक नेक्स्ट रोटेशन इवोल्यूशन जो फेयर को भी मैं लिख रहे होंगे तो गैप छोड़ के डिफरेंस छोड़ देना, मतलब गैप छोड़ देना, और रफ में आप लिख रहे होंगे तो फिर माशाल्लाह आपकी मर्जी है, कल मैंने कुछ डेटा आपको जाते जाते लिखवाया था याद है किसी को, 24 घंटे में कितना डिग्री लैटिट्यूड, 360 मैंने लैटिट्यूड वही वर्ड यूज किया था, ध्यान से सुनना क्योंकि सर टाइम का कनेक्शन लैटिट्यूड के साथ है कि लॉन्गिट्यूड के साथ, लॉन्गिट्यूड के साथ, तो सर मैंने कल आपको डेटा बोला था फिर से बोल दे रहा हूँ सुन लो, 24 घंटा में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो वही मैंने बोला था कि एक घंटे में 360/24 करिएगा भागा आता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 1 hr = 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैंने बोला था मिनट में अगर चेंज करना चाहते हो तो मिनट में चेंज कर लोगे, तो सर आपने निकाला था तो कितना आया था 1 degree लॉन्गिट्यूड बराबर कितना मिनट 4 मिनट, तो ये डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं, ये डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं ठीक है, ये मैं साइड में लिख के रखती हूँ कि इसका अब इसका यूज आने वाला है, इसमें किसको कोई आपत्ति नहीं है ना, तो सर ऐसे याद रखना है एक घंटे में कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड 15 degree लॉन्गिट्यूड, ठीक है याद रख, जोर से बोलो चल, अब मेरी तरफ देखना, ये रहा सन ठीक है, मान लो एक यहां पे कोई कंट्री है लेट से ए, एक है बी, ए है सी, प्लीज सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी और सी, तो सर ये सन के बिल्कुल नजदीक है अभी सामने है, अभी इमेजिन कर लो जस्ट इमेजिन, तो यहां पे मान के चलो, हम ऐसा मान के चलते हैं कि सर चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा होगा दोपहर का, हम अभी मान रहे हैं क्योंकि सन अभी नजदीक है तो धूप तो कड़कड़ा होगा भाई, जहां नजदीक होगा वहां क्या लाइट होगा पूरा, अरे हाँ ना, तो अगर यहाँ दोपहर का 12 बज रहा होगा तो अभी ये इंतजार कर रहा होगा कि हमको सूरज मिलेगा, अरे यहाँ पे जो कंट्री होगा वो तो इंतजार करेगा ना अभी कि भाई यहाँ 12 बज रहा है तो समथिंग यहाँ पे मान के चलो कि 7-8 कुछ बज रहा होगा, अरे यस और नो, मतलब कि इसको धूप मिल रहा है तो इस पॉइंट पे, अब बस इमेजिन करना है कि सन इधर है, सन यहाँ है, आपको अभी बताया अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट होता है कि ईस्ट से वेस्ट, इसलिए तो सूरज हमको पूरब से निकलता दिखता है क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है तो सूरज जो है वो पूरब की तरफ निकलता दिखता है, इसीलिए बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट,
सर सनराइजिंग इन द ईस्ट इसलिए क्योंकि अर्थ का रोटेशन किससे है, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो हमको सूरज दिखता है किस तरफ से निकलता हुआ, पूरब की तरफ। क्या सुन रहे हो ध्यान से? अरे हाय ना। तो सर सन अभी कहां पे है? ईस्ट में। ऐसा भी इमेजिन करोगे तो ईस्ट में है, एक इस पॉइंट पे है। मान लो मैंने बोला यहाँ 12 बज रहा है, दोपहर का 12 भाई, रात का 12 नहीं है, कितना है दोपहर का, तो यहाँ पे सर 7-8 AM मान लेते हैं। अरे इमेजिन कर, तो यहाँ पे कुछ अभी रात का हो रहा होगा, मान लो 3-4, अब सुबह होने वाला होगा यहाँ पे। तो सर एक को जब लाइट मिल रहा है तो दूसरा इंतजार कर रहा है, तीसरा इंतजार कर रहा है। अब टाइम पास होगा, 12 बज रहा है, मान लीजिए शाम का 3-4 बज गया। तो सर अब ये ए पॉइंट फिर मुड़ के इधर आएगा। अरे भाई रोटेट करेगा ना, अर्थ तो रोटेट कर ही रहा है कॉन्टिन्यूअस। तो सर जब ये इधर जाएगा, इधर इधर, यानी कि यहाँ पे शाम का 3-4 बज जाएगा। तो सर अब 3-4 बज जाएगा तो ये इधर चला गया, तो अब इसको धूप तो मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इसके जगह पे कौन, ये आ जाएगा। अरे हाँ ना, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को प्लस करेंगे, और जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो टाइम को माइनस करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और मैंने अभी बोला है कि लॉन्गिट्यूड का संबंध, सॉरी टाइम का संबंध लॉन्गिट्यूड से कि लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से। ये लो बना दिया आपका काम आसान, ये रहा 0 degree, ये लॉन्गिट्यूड इसी से करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे कुछ रहा, कुछ यहाँ पे रहा, तो मान लीजिए ए बी कुछ भी डिग्री होगा, आई डोंट नो, तो जो कंट्री यहाँ पे होगा इस पूरे लॉन्गिट्यूड पे, यहाँ पे मान लो अगर रात रात के छोड़ो सुबह के 10 बज रहे मान लो, अरे हाँ ना, तो सुबह के 10 बज रहे होंगे, तो अगर एक और हम इसके आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या समथिंग कुछ 12 हो रहा होगा, मतलब इस सूरज इसके नजदीक होगा उसको ज्यादा। 12 बजे क्या होता है सर, जब लोग पहले कैसे पहचानते थे, जब धूप आपके बिल्कुल सर पे हो, सूरज जब आपके सर पे हो, तो आपका कोई परछाई नहीं बनेगा, कोई शैडो नहीं बनेगा। जैसे 12 बजे आप जब जनरली होते हैं तो सूरज क्या होता है आपके सर पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री जब बनाएगा तो आपकी कोई परछाई नहीं मिलेगी आपको। परछाई कब मिलता है आपको? सुबह और शाम, जैसे 3-4 बजे जब सन अब सनसेट होना शुरू हो गया। सुन रहे हो क्या? तो सर हमको कहना क्या है और आपको लिखना क्या है, वो ये लिखना है कि ईस्ट में जब हम जाएंगे तो प्लस करेंगे, और जब हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। ये लिखिए कॉपी में, ईस्ट में जाएंगे तो प्लस करेंगे, वेस्ट में जाएंगे तो माइनस। हो गया, समझ आ गया, जीवन का आनंद आएगा आज। आपने 2-3 वर्ड सुना होगा, प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। देखिए ये जो 0 degree है, ये 0 degree, ये लॉन्गिट्यूड का है कि लैटिट्यूड का है? लॉन्गिट्यूड का है। इसको बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं? जो UK से पास करता है, इसी से सारा का सारा टाइम जोन डिसाइड होता है। तो पहले हम ध्यान देते हैं, उस बात को समझते हैं। 0 degree रहा है, हम इधर बना रहे हैं, मान लो लेट से ये रहा 15 degree लॉन्गिट्यूड, ये मान लो रहा 30 degree, इसके आगे क्या होना चाहिए? और दोबारा पहले बोल देना, अगर अलर्ट नहीं रहना पहली बार में, दोबारा समझाने में ना करते हो, इसलिए पहले बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताएगा आपको, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, सारा चीज रिकॉर्डिंग होना कैमरे में बोलो, कोई नहीं बताएगा आपको, सीधा लिखवा दिया जाता है डेटा, उस बात को समझा करो, आप बुरा नहीं मानो, समझा करो, कोई नहीं बताएगा आपको, कभी घंटा समझ में नहीं आएगा आपको कि क्यों कैसे किया है, खाली कैलकुलेट करके छोड़ देगा, पागल नहीं अपन इतना चिल्लाते, इसलिए ध्यान से समझ लेना। 0 degree, 15 degree, 30 degree, 45-60, ये ईस्ट में गया कि वेस्ट में? ईस्ट में। अभी इधर आइए, इधर ही बना दिए, वेस्ट हो गया है, ये भी वेस्ट और ये भी वेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर मैंने एक बात बोला है, सुनिए ध्यान से, आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस में मैंने बोला है, और प्लीज ध्यान रखना, अभी कुछ बनाना मत, अभी इधर ध्यान रखना, क्वेश्चंस में बोला मैंने कि 0 degree पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, 0 degree पे कितना बज रहा है? 12। तो आपको बताना है कि
कि 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा। चलो पहले अपने कॉपी में पहले अब एक नॉर्मल पहले बनाओ, जो क्वेश्चन बोलो पहले लिख लो एक बार। ये 60 तक उधर भी बनाओ, 60 तक इधर भी बनाओगे, लेकिन वो जाएगा कहां तक? 180। इधर भी कहां जाएगा? 180। ठीक, बनाओ जल्दी। हो गया, डन। क्वेश्चन नीचे लिखना है कि अगर 0 डिग्री पे, यानी कि वहां पे एग्जाम में ना 0 डिग्री नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा जीएमटी पे। अगर 0 डिग्री यानी कि जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा? क्वेश्चन नीचे लिखिए अपने शब्दों में, अगर 0 डिग्री जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो फिर 60 डिग्री ईस्ट पे 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट कैसे लिखोगे? ईस्ट मत पूरा लिखना, 60 डिग्री ई लिखो सीधा। तो 60 डिग्री ई पे कितना टाइम हो रहा होगा? जानते हो मेरा, मैं आपको बता देता हूँ हैबिट, और हैबिट बताने का कारण बताता हूँ। यहाँ पे बहुत ऐसा, शुरुआत में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो आपसे, आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उस समय जानते हैं बहुत बच्चों को देख के मुझे ये लगा था कि यहाँ पे बच्चे ना टफ वाला पार्ट जो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं सोचा था, जानते हैं क्या, सुनिएगा, शुरुआत से ही सोच वैसा ही था कि मैं टफ ही वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, साइंस एंड टेक और बायोटेक्नोलॉजी इधर अगर मान लो कोई नहीं पढ़ा रहा है डिटेल में, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं वही पढ़ाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको खुश नहीं कर सकता। रिजल्ट अगर देना है ना, तो आपके खुश और आपको मैं बहुत अच्छे से दिल में बस के रिजल्ट नहीं दे सकता मैं। रिजल्ट अगर वैसे देना होता ना, तो सारे यूट्यूबर्स ना खुशी करते हैं। वही मैं पढ़ा रहा था आज इंटरनल सिक्योरिटी में। मसाला ऐसा मीडिया आपको देगा जो आप देख के आप खुश हो जाएंगे, आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनाया जाएगा आपको। सच से आपका वास्ता कभी नहीं होगा, और सच से वास्ता तभी होगा जब आप नॉलेज लीजिएगा। सुने हो क्या? तो सर मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि अगर 0 डिग्री पे कितना बज रहा है? 12। तो 60 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा? कितनों का आगे हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया यार, गजब। सबसे फिर से एक बार हाथ खड़े करना जो अभी खड़े किए थे, ईमानदारी से हाथ खड़े करें। हाँ आप बताएंगे। हाँ 4। तो 4 बज रहा होगा इनके अकॉर्डिंग। सबका जितना हाथ खड़े किए थे सबका 4 ही है क्या? जिनका 4 बज रहा है हाथ खड़े करिए। चलो अब मैंने अभी 2-3 बातों को बोला था, रिपीट कर देता हूँ। रुक जा, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है? अभी बताते नहीं दो। हाँ हाँ सुनिए ध्यान से, क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है। और एक बात और आप लोग से बोल देता हूँ, हर क्लास का बच्चा का हर किसी की जिम्मेदारी है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, वो छोटा क्यों पूछ रहा है, ऐसा बहुत सारा चीज है जो आपको नहीं आता उसको आएगा। और दूसरे पे जब कोई हंसे ना आप, जब आप किसी पे हंसते हैं तो जो जिस पे हंस रहा है उसके लिए पहला सजेशन सुन लो ध्यान से। रुक जा, अभी मत बताओ आंसर। जिस पे कोई अगर हंस रहा है तो जो जिस पे हंस रहा है उसके लिए पहला सजेशन सुन लो पहले आराम से, अगर ज्ञान देते रहते हैं देंगे ज्ञान। जिस पे हंस रहा है उसको ये सोचना है कि अगर हंस रहा है, मेरे पे हंसा है, तो हमको सुधार लेना है। और जो हंस रहा है उसको हंसने से पहले भी सोच लेना है कि हम भी कोई तीस मार खा भी है नहीं बेटा। हो सकता है किसी एक चीज में हमको आ रहा हो, दूसरा चीज में नहीं आ रहा हो, वो फिर उसके बाद हंसेगा, जब तो रोई ना हो ले। आप समझ रहे हैं? तो हार्ड और टफ और तिस्मार का कोई नहीं होता है, कुछ चीजें आपको आ सकता है कुछ चीजें उसको आ सकता है। तो हंसिएगा नहीं, और किसी को लेकर नॉर्मली आपको आइडिया जज नहीं करना है, किसी बच्चों को यार जज उज करने नहीं आए हैं आप, तो सिर्फ अपना ही ध्यान रखो जी कि हमको पढ़ना है जी, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ के निकलना है, बाकी किसी से कोई लगा होगा मत रखिए। सिंपल सा लॉजिक है,
लगाओ कुछ काम करने वाला नहीं, वही दोस्त बाद में बोलेगा का कुछ लगा, उसमें बहुत बुरा लगेगा। पढ़ाई दुनिया का ऐसा सत्य है कि भाई और बहन भी साथ नहीं रहेंगे, दोस्त दोस्त भी साथ नहीं रहेगा, जब रिजल्ट आएगा तब। देखो कैसे आ गए साथ तो पढ़ाई रिजल्ट आते समय पता चलता है कि कौन किसके कितना करीब है, इसीलिए पढ़ाई से करिएगा बस, बाकी कोई मतलब मत रखिए। तो सर पहले आते हैं एक बार समझा देते हैं, मैंने अभी दो तीन बातें बोला था इधर साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी पे भी काम है। पहला मैंने बात बोला कि सर ईस्ट में जब हम जाएंगे तो प्लस करेंगे कि माइनस, अभी तुरंत पहले बोला था ईस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, क्लियर। वेस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ तक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी जस्ट पहले बोला था, एक घंटा बराबर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अरे एक घंटा बराबर कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलो 15। इधर देखो जीरो पद मैंने क्या बनाया 15, 30, 45, 60 बनाया, हर के बीच का कितना डिग्री का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 15। अरे जान बुझ के तो बनवाया था मैं क्योंकि डेटा ऑलरेडी दिया था 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री यानी कि 12 से लेकर 15 पे गए तो एक घंटा, यानी कि इस डिग्री पे जो भी देश होगा वहां क्या बज रहा होगा 1 PM, अरे है ना। फिर 30 डिग्री पे जाओगे तो कितना बज रहा होगा, अरे बोलो ना फिर इस पे, इस पे तो दोपहर का 2 बज रहा है, वही वाला इमेजिन करो कि सूरज यहाँ है, ठीक है, अरे सूरज यहाँ है। तो सर अगर सूरज के सामने जो है यहाँ पे मान लो 4 बज रहा है तो सीधे से बात है जो उससे दूर होगा और कम ही टाइम हो रहा होगा ना, अरे हाँ है ना। तो बेसिकली कहने का क्या मीनिंग है, ईस्ट में जाओगे तो प्लस और वेस्ट में जाओगे तो क्या माइनस। तो 0 डिग्री पे तो आपको सॉल्यूशन क्या कैसे याद रखना है, दो बार, एक घंटा बराबर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दूसरा स्टेटमेंट ईस्ट में जाएंगे तो प्लस के माइनस प्लस, यहां तक क्लियर है। और तीसरा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री पे बज कितना रहा है। भाई अगर मैं क्वेश्चन में नहीं देता कि 0 डिग्री पे बज कर रहा है कैसे निकालूंगा, तो हमें पता तो आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि 0 डिग्री पे बज क्या रहा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि 0 डिग्री पे क्या बज रहा है। इधर देखो ना, अगर 0 डिग्री पे एक बार निकाल लिए तो फिर क्या दिक्कत है, अच्छा अगर यहां पे 12 बज रहा था हम 60 डिग्री वेस्ट पे पूछ तो घटाते ना टाइम, यहां क्या बज रहा था 11 AM, यहां क्या 10, यहां क्या 9, यहां क्या 8। अरे आप भी मतलब इसको किसको समझ में, हाथ खड़े करो सब इसको समझ में, पीछे समझ में हाथ खड़े, अच्छा किए फिर से एक बार सब हाथ खड़े, अब सब दाहिने हाथ के ही बायां हाथ खड़े, चलो याद है क्लियर है पक्का, तो आप क्वेश्चन दूंगा तो बना लोगे पक्का ना, सब हाँ बोले हो, चलो क्वेश्चन लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मजा, आएगा अभी और आएगा मजा। अगर 0 डिग्री पे एक ही क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं, 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है ठीक, तो आपको बताना और कोई आंसर नहीं बोलेगा 12 दोपहर का, और दोपहर जब बोले तो पीएम में ही समझना, दोपहर का हम समझ रहे हैं ठीक है ना, ठीक। तो 0 डिग्री पे 12 बज रहा है तो आपको बताना है कि 16 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा, 16 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा, 16 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन पूरा लिखना, ये नहीं कि सुन लिया बता देंगे हम, क्वेश्चन जरूर लिखना। तो 0 डिग्री पे कितना बजा दिए 12, कितने लोग बन गए हाथ खड़े करके, अरे गजब गजब हो गया जी, सब बना दिए लग रहा ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं हमने चलो कोई बात नहीं। तो पहले क्या निकालना है कि सर 0 डिग्री पे तो पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 डिग्री पे 12, तो पहले तो आपको मिल गया डेटा ठीक है। अब एक बार अब हाथ खड़े करो, आप कौन कौन बना लिया, चलो ठीक है अपना आंसर बताओगे, हाँ बोल दिया सर 1:00 PM, एक बज के कुछ मिनट, अच्छा मतलब 16 तो, अच्छा चलो ठीक है 1 बज के कुछ मिनट इससे अंदाजा दे दिया बहुत बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा जवाब है ये, बाकी सर कुछ मिनट आप जान लो ठीक है चलो
तो कम से कम चलो एक बात तो तय हो गया कि आप उस पॉइंट को तो समझ गए, मेरे लिए खुशी की बात। हाँ आप बताना, आप भी बोल, आप बताना आप। हाँ एक घंटे मतलब एक बज के कुछ नहीं नहीं, नहीं समझ गया, हमारा भी तो कुछ काम है ना, आप ही लोग सब बता दोगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला बात। इधर देखिए, एक घंटे में कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड बताया था मैंने, 15। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मिनट में बोला था, क्या बोला था, एक लॉन्गिट्यूड में कितना मिनट, 4 मिनट। अरे भाई एक लॉन्गिट्यूड में कितना मिनट बोला था, 4 मिनट। तो सर 12 बज रहा है 0 पे, पहले जाओ 15 पे तो 1 बजा दिए, अब 15 के बाद एक 16 और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितना मिनट, 4 मिनट। तो सर 1:04, तो 1:04 नहीं बोलिएगा, 1:04 बोलिएगा, 4 मिनट। कितना समझ में आ गया, अब हाथ खड़े करें, ऐसा फील हुआ दिमाग थोड़ा फील हुआ तो ठीक है, नहीं बताओ क्या ही करें। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 3 और पूछूंगा। क्वेश्चन लिखे, 0 डिग्री पे अभी भी 12 ही बज रहा है, ठीक है, आपको बताना है कि 61 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, आराम से निकालिए। 61 डिग्री वेस्ट, 61 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, किसका बन गया, बहुत बढ़िया। कॉपी पे क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, बिना क्वेश्चन लिखे मत सॉल्व करिए, सोचना सोचना है लेकिन उससे पहले कॉपी में बनाना है, ऐसे नहीं सर क्वेश्चन बोल रहा सर। 61 डिग्री वेस्ट बोला हूं, ईस्ट नहीं बोला हूं, किसे सब बन गया, हाथ खड़े करो सर, जब ये चाहिए मुझे, आई वांट ईच एंड एवरी वन आंसर यहां से वहां तक, बन गया सभी का। अब लास्ट बार पूछ रहा हूं, लास्ट बार जो सबका बन गया तो हाथ खड़े करो, सभी का हाथ खड़े चाहिए। हाँ चलो, तो अभी बताएंगे कौन, आप आप भी बनाए हो ना, हाँ चलो आप बताओ कितना बज रहा है, हम बोले कितना, 61 डिग्री वेस्ट ना, हाँ बताओ, बेझिझक बताओ, डरो मत, सब वैसा ही है, निकम्मे हाँ आप बताइए, 8:04 सबका यही आंसर है क्या, नहीं है ना, ठीक है, तो भाई अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाँ चलो हाँ आप बताओ, 7:56 देख रहे भाई, 56 भी आ जाए यहाँ आपका, 7:56 इनका है, हाँ 1:56 किसी का नहीं है ना भाई, 1:56 जानते हो, 1:47 तो जानते हो, कोई बात नहीं, जितना गलती करना मैं बोलना इधर ही गलती करवा लेंगे। अच्छा जिन लोगों को आता होगा उन लोग सोचेंगे क्या, ऐसा ऐसा लगता है जिसको आता रहता है तो क्लास में ऐसा लगता है क्या ही पढ़ा रहे हैं, फालतू में चैट रहे हैं सर, उनका कोई ला इलाज नहीं है, उनका एक ही ला इलाज है, ठीक है, हम तो अपने गति से पढ़ाएंगे, हमको जैसा मन जी पढ़ाना है क्योंकि हमको पता है कैसे पढ़ाना है, बाकी आपको एडजस्ट करके अगर आप चाहते हैं ज्यादा पढ़े तो वीडियो का पूरा सुविधा है, पूरा वीडियो देखिए कंप्लीट करके आ जाइए, बात खत्म, दोनों सुविधा इसलिए रखा हूँ उन लोगों के लिए कि अगर औकात है कि खूब पढ़ना है खूब ज्यादा वीडियो है पूरा खींच जाइए, हम तो चाहते हैं 3 दिन में पूरा फिजिकलियोग्राफी खत्म कर जाइए, बस समझ आ जाना चाहिए। चलो यहाँ तक हो गया ना, तो सब टाइम पर देख लेते हैं यार, बेसिक सिंपल स्टेप पे चलो, ईस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, वेस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, तो सर 12 यहाँ बज रहा था तो माइनस करते चले जाइए, तो माइनस करते जाएंगे तो सर 60 डिग्री पे तो 8 बजा ही दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फिर अब क्या उसमें घटाना है कि बढ़ाना है, घटाना है तो सर कितना मिनट घटाना है, 4 मिनट, तो टाइम पता चलता है ना, मैंने 8 बजने में 4 मिनट बाकी रहेगा तो कितना लिखेंगे, 7:56 बुझा रहा है, अब सभी को पक्का बुझा गया, क्योंकि सर घटाना है टाइम 8 से, क्योंकि ए 60 है ना, तो 60 के बाद क्या आएगा 61, और 61 वेस्ट ही में जा रहा है ना, ईस्ट में तो नहीं जा रहा है कि सर 8:00 क्या कर दीजिएगा 4 मिनट, नहीं करिए वो उधर रहता तो आप कर सकते, क्लियर है यहां तक ना, देखो एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है, अब सर 0 डिग्री पे 12 नहीं मिलेंगे,
अब जीरो डिग्री पे बज रहा है सर 10, हमारा मर्जी जितना बजाए, जीरो डिग्री पे बज रहा है 10। अब आपको निकालना है कि सर जीरो डिग्री पे 10 के एक नीचे तीन क्वेश्चन लिखिएगा, ए बी सी। ए में लिखिए, अब मुझे क्वेश्चन याद दिला दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे। ए में लिख लीजिए 45 डिग्री वेस्ट, बी में लिखिए 46 डिग्री ईस्ट, सी में लिखिए 90 डिग्री ईस्ट, डी में लिखिए 160 डिग्री वेस्ट, और ये भी लिख लीजिए 65 डिग्री वेस्ट। अब आराम से बना लीजिए और सर सही बनाइए। अब खुशबुसाहट क्यों, क्वेश्चन तो बोल ही दिया ना, खुशबुसाहट क्यों हो रहा है, क्वेश्चन बता दिया, खुशबुसाहट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं मैं, तुम मुझे बता देना क्वेश्चन क्या है। 10 AM सुबह के 10 बज रहे हैं। जिसका बन जाए बता देना। और हड़बड़ाना मत कि पहले बताना है, पहले बता दोगे कुछ नहीं होगा, गलत जवाब दोगे तो, सही बताओगे तो इनाम देंगे, पहले बताओगे गलत बताओगे मुंह तोड़ देंगे। गाने सुनते हैं मुंह चूरा कर दे। बन गया सर, सर जिस तरह बन गया। अच्छा मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पढ़ाने में एक्साइटेड हूँ, आप लोगों को बुरा तो लग रहा है? हम एक्साइटमेंट में ही रहते हैं, पढ़ाने में मजा आता है। हम प्रचार उचार नहीं करते हैं अपना, तो कृपया करके, मेरे पास पैसा होता नहीं है प्रचार करने के लिए, तो कृपया आप ही लोग प्रचार कर दीजिएगा। अरे नहीं कर दोगे क्या? अब किसके से बन गया हाथ खड़े हो? अब वैसे लोग हाथ खड़े थे जिनका बनने के बाद भी कंफ्यूजन चल रहा है। जानते हो मैंने किसी बैच में इतना प्यार से नहीं पढ़ाया है, आप लोग बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, सच्ची बता रहा हूँ। इसका मीनिंग जानते हैं क्या है? नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा। और बाय द वे मैंने बुक बोला था पढ़ने के लिए, यू कैन विन का 2 चैप्टर, कितने लोग पढ़ लिए हैं? 2 चैप्टर बोला था, नहीं पढ़ोगे आपका घाटा है, मैं पहले बता देता हूँ। बहुत बढ़िया, जो लोग पढ़ लिए यू कैन विन से आपका पूरा बिहेवियर चेंज होगा। मैंने किताब उस पर बनाया भी था वीडियोस, और ये आपके ग्रुप में भेजा गया भी है, हिंदी में भी और
बेचारा उतना मेहनत करके चाहे जो भी जैसे भी भेजे हैं सर आप उसको कवर करके काम कर लीजिए। इसके बावजूद वो नहीं पढ़िएगा ना, भगवान आपका भला करे भाई। चलिए जी बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, कुछ आगे भी बताना है ना। चलिए क्वेश्चंस बता दीजिए, वो तो मुझे पता है कि जीरो डिग्री पे कितना बज रहा है, 10। अच्छा अब बताओ पहले कितने लोग बना पाए, पहले हाथ तो खड़ो जो बना पाए, कम से कम कोशिश तो किए। ठीक है सर, मतलब जीरो डिग्री पे बज रहा है कितना, 10। चलो ए ए ए क्वेश्चन नंबर क्या था, ए 45 डिग्री वेस्ट। भाई मैं इसे लिख रहा हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। तो सर पहले क्या करो, ये जानबूझ के मैं 15, 30, 45 में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा वैल्यू उसी हिसाब से ज्यादा, एक एक घंटा जल्दी कैप्चर हो जाएगा। अरे है ना, तो 15, 30, 45 वेस्ट बोला है ना, यहाँ पर कितना बज रहा है, 10। तो हम 10 बज रहे हैं तो वेस्ट में जाएंगे कि ईस्ट में, बोलो ना, वेस्ट में प्लस की माइनस, माइनस तो 10 से 1, 9, 8, 7। तो सर 45 डिग्री किसका 7 था, हाथ खड़े, बहुत बढ़िया शानदार। तो जिनका 7 AM था उनका सही है। दूसरा बी, बी बोलिए 46 डिग्री ईस्ट। तो सर अगर हम इसको मान लीजिए नॉर्मली इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बस इमेजिन करना उसको, ये मान लीजिए 15, 30, 45, ये एक मान लीजिए 46। तो सर एक में क्या होगा, 4 मिनट। अरे सिंपल सा लॉजिक है बस, कितना 4 मिनट। तो जब 4 मिनट है तो क्या करना है उसको, क्या करना है भाई, एक ही चीज करना है भाई, सिंपल सा बात है, 4 मिनट जोड़ लेना है। तो 45 से पहले 10 यहाँ है ना, कैलकुलेट करो, 11, 12, 1, 1 बज के कितना मिनट, 4 मिनट। इसका आंसर सही था, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन, 90 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट में आ जाओ, 45, 60, 60 के बाद 75, 99, उसके बाद 90, फिर आगे बढ़ जाए। तो आप बताना तो ईजी है, 90 पे आओ जोड़ लो, सर यहाँ पे कितना बज रहा था, अगर यहाँ 30 पे 12 एक, 45 पे 1, तो 60 पे कितना, 2, उसके बाद 3, उसके बाद कितना, 4, तो 4 आ गया। पीएम की एम, पीएम क्योंकि सर आप 10 से अब आगे जा रहे हो, सर ये हो जाएगा 4 कितना, पीएम। क्लियर है, किसका सही था, बढ़िया यार। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, 160 डिग्री वेस्ट, 160 वेस्ट, वेस्ट में जाएंगे ना, बेसिकली वेस्ट में आओ। तो सर वेस्ट में आओ तो सीधा कैलकुलेट कर लो अपना, कैलकुलेट कैसे कर लोगे, मान लो अगर आप इधर आते हो पीछे तो यहाँ 7 बज रहे थे कितना, 45 पे, अरे सुन लीजिए मतलब 45 घंटा ऐसे कैलकुलेट कर लो, 45 में फिर 45 जोड़ोगे तो कितना होगा, 90, कितना, तो 45 में 3 घंटा हुआ ना, अरे 3 ही हुआ ना, फिर 45, फिर क्या 65, फिर 65 के ऊपर क्या 90, 2 घंटे के 3 घंटे, 2 घंटे, तो 7 से 2 जाओगे तो यहाँ पे नॉर्मली आते जाओ 60 पे कितना बजा, 6, 80 पे कितना बजेगा, 6, फिर यहाँ पे आओ कितना है, 75, कितना, 5, फिर आगे आओ, फिर उसके बाद 75 के बाद 90, 4, मतलब कहने का ये कि अब उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाओ तो क्या बना लोगे टाइम, अरे है ना, पक्का, एक क्वेश्चन और बना दो, कोई बात नहीं तू बना लेना, क्या एक और क्या है, 65 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट में बना लेना अपना। अब आप मुझे बताएं, अच्छा ठीक है आपको, अच्छा 65 जानबूझ के, मैं समझ गया, ठीक है, तो 60 जैसे है, बीच में कितना है 65, तो कितना लॉन्गिट्यूड हुआ, 1, 2, 3, 4, 20 मिनट वेस्ट है, तो वेस्ट में आ जाओ यार, अब मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, वेस्ट में आ जाओ, 60 में कितना बज रहा था, 6, अरे 6 बज रहा था ना, 6, और उसमें से 20 मिनट घटा दो तो कितना होगा, 5 बज के 40 मिनट, बात खत्म, समझ में आया, क्योंकि 6 घटाओगे ना उसमें, घटाओगे बढ़ाओगे थोड़ी ना, ज्यादातर आपके दिमाग पता क्या चलेगा, प्लस करने का दिमाग थोड़ा कंट्रोल में रहना, औकात में मेरे पास समझ आई, तो थोड़ा 5:40 रखे, यहाँ तक हो गया। अब एक क्वेश्चन बना दो, मजा आ जाएगा, एटलस सब लोग लाए हो, पक्का, अरे बोलो यार, कौन सा 160 वाला, अरे तू घटाते चले जाओ, चलो ठीक है, मान लो 7 यहाँ पे आओ, कितना बज रहा था 60 पे, कितना बज रहा था 6 ना, 7 बज रहा था 45 पे, एक एक घंटा घटाते चले जाओ, 15 से डिवाइड कर देता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं 1 by 1 कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, देखो 7 बज रहा है, 7 से अब आओ 60 पे, 60 पे आओगे तो कितना बजेगा, 6, बस 1 by 1 ऐसे ही करते चले जाओ, तो 6, फिर 5, फिर 4, 90 पे कितना बजा, 4, अब 90 से फिर आगे जाइए, कितना, 90 के बाद 30, 15 जोड़ोगे ना, 110, 105, फिर उसके बाद कितना, 120, फिर कितना, 100, बोलो,
120 10 30 और 35 135 135 बस कितना 150 और 150 के बाद फिर कितना 165 तो 150 से 165 पे कितना 160 160 आएगा ना तो उसमें से कितना मिनट कैलकुलेट करोगे पांच लॉन्गिट्यूड है ना मतलब 150 के बाद कितना जा रहे हो 10 पे 60 तो 10 पे जा रहे हो तो 10 चौका कितना 40 तो 40 मिनट हो गया 40 मिनट उसमें से घटा देना जो भी टाइम हो रहा होगा बात खत्म तो अब यहां पे आते जाओ 4 बज रहा है ये 3 अब हम रात की तरफ जा रहे हैं मतलब सुबह रात मतलब अभी होने वाला है तो 4 के बाद कितना 3 3 के बाद फिर 2 देख लो 2 के बाद 1 फिर 12 फिर उसके बाद इधर जाओ तो सर ये टाइम जो कैलकुलेट करने जा रहा है ये रात में चला जा रहा है यानी कि पीएम में जा रहा है अरे मेरी बात समझ आ रही है अब उसके बाद कैलकुलेट होकर पीएम में चला जाएगा तो उतना आप इमेजिन आराम से कर लोगे मैं जान बुझ के उस चीज को ऐसे दिया हूँ इतना टफ डेटा डिटेल आपको नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आप सोचने पे आपको टफ नहीं लगेगा लास्ट एक और क्वेश्चन लिख लो उसके बाद दो और करेंगे फिर चल लेंगे ठीक है क्वेश्चन लिखो ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखना जो सही बना देगा पक्का इनाम दूंगा बाबा धाम का फर्श आदि मिलेगा चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए बोल दो ना बोल दीजिए सर संभाल लेंगे ऐसे ऐसे कितने बोले संभाल लेंगे हाथ खड़े करो क्वेश्चन जो आएगा वो संभाल लीजिएगा यही एटीट्यूड होना चाहिए अपन ठीक है एक कमांडर का आपको मैं बताऊंगा इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको लास्ट में मतलब इंटरव्यू क्या रियल है चाइना से लड़े उसको सब घेरा हुआ था चाइना वाला इंडियन आर्मी को सब घेरा हुआ था भुला रहा हूँ थोड़ा तो चाइना वाला सब घेरा हुआ था लेकिन रियल स्टोरी है घेरा हुआ था पूरा कमांडर को पता है बोला था कि बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए जो करना कर लो भाई उसके बाद बोला कि तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे बोला कि बस एक ही चीज है जो भी करना है मतलब कर लो कोई उसमें दिक्कत नहीं है अगर मतलब कंट्री के साथ कुछ भी हो अभी सबको यही मारेंगे चाइना वाला क्या बोल रहा है अरे भाई पागल आदमी है क्या हम लोग के घेरे में ऐसा बतिया रहा है सर वही एटीट्यूड होना ही चाहिए आईएएस का सिंपल एटीट्यूड कि सर कोई हो किसी सिचुएशन में हो सर संभाल लेंगे सिंपल सा लॉजिक है वहाँ मिमी आएंगे नहीं होंगे जब पर मैं तो मिमी आई समझ में आ रहा है एटीट्यूड सिंपल होना चाहिए देख लेंगे बात खत्म और ऐसा एटीट्यूड है बन जाइएगा हार जा रहे हैं बार बार कमजोर पड़ जाना चाहिए छोड़ दीजिए इधर मत मारिएगा इधर मत मारिएगा अगर कर रहे हैं इसका मतलब आप इनकम्प्लीट हैं आप कम्प्लीट नहीं क्योंकि जो आदमी प्रिपेयर होकर गया ना एग्जाम के लिए उसको कोई डर नहीं रहता कोई डर नहीं जो नहीं पढ़ा है उसको डर लगा रहता है अरे हम आईआर नहीं पढ़े हैं हम इंटरनल सिक्योरिटी छोड़ दिए हैं तो एग्जाम जान लगा के नहीं देगा जो पढ़ के गया उसका रौंद के आएगा पढ़े हैं संभाल लेंगे चलिए क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बनाना ही पड़ेगा आप लोग सब बना ले रहे हैं चलिए देखिए 30 डिग्री ईस्ट पे 10 बज रहा है 10 एम क्वेश्चन पूरा लिखिएगा 30 डिग्री ईस्ट पे 10 एम हो रहा है तो आपको बताना है कि 30 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा है अब ध्यान से सुना करिए 30 डिग्री ईस्ट पे 10 एम 10 एम तो 30 डिग्री वेस्ट पे बताइए कितना होगा इसे तो बन गया yes, बहुत बढ़िया 30 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा है 10 एम तो आपको बताना है कि 30 डिग्री वेस्ट पे कितना बजेगा स्टेप बाय स्टेप जाना हर बढ़ाना मत किसका बन गया आंसर yes, यहीं पे पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप सिंपल उलझना नहीं है सॉल्यूशन निकालना है एकदम इजी इजी स्टेप बन गया आपका लिखे बन गया किसके से बन गया हाथ खड़े क्वेश्चन क्या था 30 डिग्री ईस्ट पे 10 बज रहा है ना तो पहले तो आराम से चुपचाप देखो भैया तेजू खाओ बनने की कोशिश मत करना मैं बार बोल रहा हूँ ऑलवेज टेक अ सिंपल स्टेज सिंपल नो शॉर्टकट्स कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ो रास्ते आएंगे चल तेरे को 3 महीने में एक बना देते हैं 3000 में जीवन भर और उसके बाद फिर आराम से शॉर्टकट्स हर जगह आते हैं डोंट टेक शॉर्टकट्स आईएएस में शॉर्टकट्स का कोई रास्ता नहीं देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं जीरो डिग्री देखो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए इधर अगर हमको जीरो डिग्री सुन लो
सब लोग सुन, रिस्पॉन्ड करो जोर से यस और नो। यस सर। अगर जीरो डिग्री पे हमको टाइम मिल जाए उसको क्या करना है, प्लस नहीं तो माइनस। हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए कि भाई किसी तरीके से जीरो डिग्री पे मिल जाए। काम क्या हो जाएगा, इजी। तो जीरो, 15, 30, 30 पे कितना हो जाएगा 10 AM। तो मैंने पूछा है कितना पे, 30 डिग्री वेस्ट। तो 30 डिग्री पे ईस्ट पे 10 बज रहा है, इधर 30 डिग्री पे क्या बज रहा है 10। अब आपको कहाँ लाना है, जीरो डिग्री पे। तो सर अब यहाँ से आप वेस्ट की तरफ जाओगे ना, भाई जहाँ हो वहां से देखना, ये नहीं कि तो ईस्ट में वो नहीं, क्या बोले आप जा किधर रहे हो, वेस्ट के तरफ ना, आप यहाँ पे खड़े हो जा किधर हो, इधर। अरे हाँ है ना। तो यहाँ 10 बज रहा है, एक घंटा घटाओ 9, फिर 0 पे कितना 8, फिर कितना 7, फिर कितना 6। कैसे आंसर था 6 आप करेगा, बहुत बढ़िया। तो सर आपको ना पता होना चाहिए कि 30 डिग्री पे था, तो वहां से जब आप, अगर मान लो मैं पूछता 30 डिग्री ईस्ट पे 10 बज रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि 60 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा। तो क्या करते, 30 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट से फिर किधर जा रहे हैं, ईस्ट, तो जोड़ लेते हो, तो सीधा 10 11, उसके बाद 12। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से? आगे बढ़ूं? तो चलिए सर आगे बढ़ रहा हूं। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, किसको संभाल लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप संभाल लिए तो हम समझ गए कि हम हमारा काम हो गया। लिखिए क्वेश्चन, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है, पहले बोल दे रहा हूँ। मैच विल बी, इंग्लिश में भी लिखना है, आगे देखूंगा। मैच विल बी, मैच से पहले को लिखना, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच, लिख लो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच विल बी एट 12 PM अकॉर्डिंग टू द GMT, अकॉर्डिंग टू GMT लिख लीजिएगा। चलिए फिर बोल दे रहा हूँ, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच, ठीक है, लिखिए विल बी एट 12 PM अकॉर्डिंग टू GMT। यहां तक हो गया, आगे देन इन इंडिया व्हाट इज द टाइम ऑफ मैच अकॉर्डिंग टू GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ मैच इन इंडिया, what is the time of match in India? चलिए बनाइए, हिंदी में बोल देते हैं हम। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच 12 PM पे होगा GMT के अनुसार, 12 PM पे होगा GMT के अनुसार। तो बताइए कि इंडिया में मैच कब होगा, इंडिया में मैच कब होगा, आराम से सोचिएगा और झटके मत मारिएगा, नहीं आए तो कोशिश करिए बनाने का। बन गया आपका, बहुत बढ़िया यार, शानदार। देखते हैं किसका दिमाग ना कितना अलर्ट रहता है क्लास में, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप कितने यहाँ पे रहते हैं और कितने आप अपने XYZ के बारे में सोचते हैं, दोनों पता चल जाएगा। ठीक है, बाबू सोना करते करते जीवन बीत जाएगा, बाबू सोना उसके बाद पीट पाट के चल जाएगा। बना हुआ है ना कभी, आंसर मत बताना अभी। जानते हैं क्लास में कभी भी ना, कभी भी जब कंपटीशन और रेस में है तो किसी को अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, एग्जाम में किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करिएगा कि इससे तो हम आ गए हैं, नहीं सर, कब आपको दबा देगा ना, आपको आइडिया तक नहीं चलेगा। कमजोर से कमजोर लड़का ना आपसे आगे निकल जाएगा, आप सोचते रह जाएगा हमारा दिमाग इतना तेज था लेकिन हमसे कुछ नहीं हुआ, और गधा लड़का सर ना लगातार चुपचाप शांति से मेहनत करते करते निकाल लेगा।
महीने बाद इंडिया 82.5 डिग्री पे है। मैं पूछने से बोल रहा था कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। कल ही मैप पे समझाया था कि इंडिया कहाँ है, तो सर 0 डिग्री से ईस्ट में है कि वेस्ट में है? ईस्ट में है। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है? 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो आपको उसी पे तो टाइम निकालना है। और इसमें क्वेश्चन बोला है कि सर 12 बज रहा है जीएमटी के अकॉर्डिंग, मतलब 0 डिग्री पे 12 बज रहा है और आपको 82.5 पे निकालना है। तो निकालिए, किसके से निकल गया? कितना आया टाइम? 5:30। किसके से 5:30 आया? 5:30 पीएम की एएम पीएम। अब क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, मैं सुन लो पहले, क्वेश्चन समझा देता हूँ तब निकालना। क्वेश्चन घुमा दिया, इधर देखो, इधर देख लो पहले, अभी आंसर को छोड़ दो। अच्छा लो, बनाना है क्या? तो 2 मिनट दें वक्त, तो बनाओ, फिर 2 मिनट बाद करेंगे। कौन सा बेचैनी है? और इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वो तुम बना दिए तो हम भी फ्री, तुम भी फ्री। अभी आपसे पूछूंगा मैं आंसर, ठीक है? चलो अब हम बता देते हैं, बहुत हो गया। कितने लोगों का बन गया? चलो लो, चलो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। क्वेश्चन बोला हूं कि मैच इज अकॉर्डिंग टू, बोला हूं कि 12 पीएम पे शुरू होगा अकॉर्डिंग टू जीएमटी, मतलब जीएमटी के अनुसार 12 बजे मैच शुरू होगा, तो बताना है कि इंडिया में उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा। यह देखो, तो दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला बोल दिया जीएमटी पे 12, यानी कि 0 डिग्री पे कितना बज रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि जीएमटी का मीनिंग क्या है, 0 डिग्री, उसी को बोल रहे हैं आपको प्राइम मेरिडियन। तो सर यहाँ 0 डिग्री पे कितना बज गया? 12। तो पूछा है कि इंडिया में क्या होगा, तो हमको अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूड पता नहीं है तो क्या घंटा करेंगे? इसी वजह से कल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सिखाने के लिए मैंने आपको 10 कंट्री 20 कंट्री दिया था। कल दिया था? नहीं दिया था। निकाले थे कि नहीं निकाले थे? कितने निकाले थे, हाथ खड़े करना। तो सर आपको लॉन्गिट्यूड इसीलिए बोला था कि उन सारे कंट्री का लॉन्गिट्यूड पूछता है, उसका पता होना चाहिए, इसीलिए वही कंट्री मैंने हर देखोगे तो हर कॉन्टिनेंट से मैंने कंट्री आपको दे दिया था उसमें, समझ रहे हो? तो सर आपको इंडिया का, हमारा जो इंडिया का है स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके पीछे मैं बताऊंगा क्यों। तो मतलब इंडिया का जो टाइम जोन है वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है? 82.5, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट की वेस्ट। इतना तो आपको भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि 0 डिग्री से इंडिया का यही कहीं है इधर। अरे ऐसा नो सर, ये मान लो 60 था, 60 का जो लिखा है कितना 75 के बाद कितना जाएगा 90, इसी बीच में कहां आएगा 82.5, यानी कि 82 पॉइंट कितना 5। अरे हाँ है ना, और ईस्ट में है तो प्लस की माइनस प्लस। तो सर 12 तो बच गया है 0 पे, पहले यहां तक किसी को आपत्ति? अगर सबको समझ में आएगा तो यहां तक हाथ खड़े करो पहले, ठीक? 0 डिग्री पे 12 बज गया, और 12 से आओ सीधा कहां पे 75 तक आओ। टाइम वैसे ही कैलकुलेट करते हो, वैसे घंटे से डायरेक्ट गाना गुना भी कर सकते हो, फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चल उधर बढ़िए, 12 1 2 3, 3 के बाद इधर आओ 4 के बाद 75 कितना 5 बजा लिए पहले 75 पे, ठीक है? अब 5 में पहले 82 को जोड़ो आराम से, मतलब 75 प्लस 7 चौका 28 मिनट, 7 चौका कितना, क्योंकि 75 और 7 कितना होता है 82, तो 28 मिनट, यानी कि 5:28, लेकिन है पॉइंट कितना 5, तो 1 में होता है 4 मिनट, तो आधा में कितना 2 मिनट, तो 28 प्लस 2 कितना 30 मिनट, तो 5:30, यानी कि यूके में अगर मैच सर शुरू हो रहा है दोपहर के 12 बजे, तो इंडिया में मैच कब शुरू होगा 5:30 में। इसीलिए बोला जाता है, जब आप देखना मैच देखोगे तो लिखा रहता है बार बार अकॉर्डिंग टू जीएमटी अकॉर्डिंग टू आईएसटी। तो आईएसटी का मीनिंग होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग मैच कितने बजे शुरू होगा, और जीएमटी का मीनिंग है कि यूके में 0 डिग्री पे कितना बज रहा है। इसलिए मैच से पहले लिखा जाता है कि मैच का प्रसारण जीएमटी के अकॉर्डिंग 12 बजे और मैच का प्रसारण आईएसटी के अकॉर्डिंग 5:30 बजे, क्योंकि हर देश का अपना अलग अलग टाइम जोन है।
अरे कुछ बुझा रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या कि टाइम जो कैसे चल रहा है? तो सर इससे आप लोग गांव में नहीं पूछते हैं कि अभी बताओ तो ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम होता है? लोग कहते हैं छह घंटा जोड़ लो। क्या जोड़ लो छह घंटा? हर जगह छह घंटा जोड़ लो तो घटा लो कहते हैं। जो भी देश का बोलोगे रुपए का पांच घंटा जोड़ लो चाहे छह घंटा घटा लो। लेकिन सर अब आपको पता है इधर ही कि ऑस्ट्रेलिया का किस लॉन्गिट्यूड पे है और इंडिया किस लॉन्गिट्यूड पे है, तो सर आप टाइम का डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो क्या? अगर आपको पता चल गया कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री पे 5.5 बज रहा है तो 0 डिग्री पे यूके का कितना बज रहा होगा? 12। अरे ऐसा नो। उसी तरीके से हमको पता है कि सऊदी अरेबिया का अगर टाइम जोन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमको पता है कि सऊदी अरेबिया अगर मान लो कि 70 डिग्री अगर वेस्ट में है तो हम सर आराम से निकाल सकते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। सुन लो ध्यान से, तो मैं फिर से क्वेश्चन जो देने वाला हूँ सुन लो, पहले लिख लो, ये घर से बना के लाना है जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ के लिए दूंगा। क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन, और कल सबका चेक करूंगा, नहीं बनाओगे मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, क्लियर कर दो। थीम वन परसों खत्म हो जाएगा इसलिए बोल दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, अगर इंडिया में 10 बज रहा है, इंडिया में कितना बज रहा है? 10, तो कल जो 20 कंट्री दिया था उन जगहों पे कितना बज रहा होगा? नहीं समझे आप? समझ गए ना? अब एक क्वेश्चन है भाई, 10 AM, हाँ 10 AM सुबह में ही, मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करने हैं उसको, क्लियर है? अब कल का जो 20 कंट्री था वहां का निकाल लेना है। दूसरा सुन लो, और 20 कंट्री जब बोलो तो वहां पे जो उसकी कैपिटल होगी ना, जो उसकी राजधानी है, उस हिसाब से आप कोशिश करना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो लॉन्गिट्यूड को, उतना लेना जिससे कि कैलकुलेट हो जाए। जैसे मान लो अगर 87.88 आ रहा है तो आप उसको मान लो 88 मान लो चाहे 85 मान लो। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? एक क्वेश्चन हुआ, बस एक ही क्वेश्चन तो दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिख लो। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समय आप सॉल्व कर रहे होगे, मतलब एक क्वेश्चन जिस समय आप सॉल्व कर रहे हो उस समय जो टाइम हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर उस 20 कंट्री का बताना। जैसे मान लो आप रात में गए, आप यहाँ से कोचिंग से गए, आप रात में 10 बजे बैठे बनाने के लिए, तो आप उसी समय टाइम फ्रेम लोगों की 10 बज रहा है इंडिया में, उसके अलावा अब तो सब लोग अपने अपना अलग अलग टाइम पे बनाओगे सब लोग, और मुझे उससे भी आइडिया लग जाएगा कि आप दिन रात में करते क्या हैं। वो आइडिया लग जाएगा आपके, सिर्फ टाइम जोन से आपका कैरेक्टर डिसाइड हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन समझ में आ गया? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है भाई, और घर से बना के ला देना, काम करते हो, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? चलो आए हो रहे। एक दिन आप लोगों को सोचा हूँ 6 घंटा एक दिन पढ़ाने का, देखो किस दिन दिमाग में आता है। मुझे दो दिन यहाँ से ऐसे जाओगे बट उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे 6 घंटे पढ़ाने का ऐसा नहीं कि सुख सोबत और उसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो अभी नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। आपने आप बीच में मत पूछ लेना सर 6 घंटा आप कब पढ़ेगा, ऐसा वाला काम नहीं करिए, एक बहुत गलत लगता है। क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसको आप देखेंगे कहीं एक दो को हो जाए तो ठीक है। लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखिएगा फिर हिंदी में बोलूंगा। लिखिए, वन फ्लाइट फ्रॉम, एक फ्लाइट मतलब वन फ्लाइट फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट, वन फ्लाइट फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट एट 8 AM, ठीक, इफ वन फ्लाइट फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट एट 8 AM स्टार्टेड एंड, हाँ 8 AM स्टार्टेड एंड रीच पहुंचना एंड रीचेस एट 45 डिग्री वेस्ट, एंड रीचेस एट 45 डिग्री वेस्ट इन टू आर मतलब 2 घंटे में, इन टू आर, then what is the time at 45 degree west,
देन व्हाट इज द टाइम एट 40? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं. आगे, व्हाट इज द टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट व्हेन फ्लाइट रीचेज? व्हेन फ्लाइट रीचेज मतलब जब फ्लाइट वहां पहुंचती है. व्हेन फ्लाइट रीचेज, ठीक है जी, मिला लो, दोबारा नहीं बोलूंगा इसके बाद. इफ सॉरी वन फ्लाइट फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट एट 8 AM, यहां तक हो गया, स्टार्टेड एंड रीच एट 45 डिग्री वेस्ट इन 2 आवर, देन व्हाट इज द टाइम? हो गया, एट 45 डिग्री वेस्ट व्हेन फ्लाइट रीचेस. अब हिंदी में बोल देता हूं, एक फ्लाइट 30 डिग्री ईस्ट से 8 बजे स्टार्ट होती है और 45 डिग्री वेस्ट पर 2 घंटे में पहुंचती है, तो बताइए फ्लाइट के 45 डिग्री पहुंचने पर क्या टाइम हो रहा हो? तो बताइए कि फ्लाइट के 45 डिग्री पहुंचने पर क्या टाइम हो रहा हो? क्वेश्चन क्लियर है? अब बनाइए, जो बना लेगा पक्का घोर मारा का पेड़ है. हाँ, अरे का अभी बनाना है, बन गया. अरे क्या बात है, तो गजबे हो गया. बन गया, अभी बन गया तो मनी में आंसर रखना. अभी किसने सब बन गया? बन गया यार, गर्दिश चल रहा है. किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, गिदर भी शेर को है. बन गया पक्का? यस सर. ठीक, अब किसे समझ गया आवाज करें तो ठीक ठाक. चलो सबसे पहले आप हाथ कर गए थे, नहीं किए थे ना, पीछे बन गया. चलिए टाइम में तो ये कितना हो रहा था, 3 AM की PM AM. एक आंसर आ गया मार्केट में, 3 AM. 5 AM. भाई उससे नाराजी है. चलिए दूसरा मार्केट में आया 5 AM. और कोई है मार्केट में? यस सर. हाँ, 1 AM. अच्छा, 1 AM. आराम से मार्केट में कोई और? 1 AM. 1 AM. 2. यस सर. 1 AM. 3. और कोई आंसर इसके अलावा? बाकी लोग का तो कोई आंसर ही नहीं है. सर आप जो बता दो देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझे, इसीलिए हम लास्ट में दिए. बाय गॉड दिमाग खराब करके भेजेंगे आपका, समझ रहे? घर से बनाने के लिए दे दे क्या इसको? बता ये तो सीरियल की तरह बेचैनी रहेगा, कौन मारा चक्कू रे. मम्मी उसके बाद खाना बना रही है, पूछ रही है आज बुझाता अशोक मर जाए यार. चलो कोई बात नहीं, ये देखिए मुझे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, बोलने के लिए बोल दिया हूं मैं. कोई हाँ, अरे क्वेश्चन रिपीट करिए तो आप. हाँ, एक एक लाइन, एक मिनट रुक जाइएगा.
मेरा दो गुना आंसर नहीं हो जाएगा, एक ही होगा। हाँ आप बोलिए। One flight from 30 degree east at 8 a.m. That's cardinal which is at 45 degree west. हाँ रुक जाएगा। 0:15:30 ये मान लीजिए, चलिए बना के रख ही लेते हैं 45 और 60 तक, ठीक है। तो वन फ्लाइट आपने बोला 30 डिग्री ईस्ट से 8 बजे स्टार्ट होती है, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम कितना हो रहा है 8 एएम, ठीक है। आगे स्टार्टिंग एंड रीचेस एट 45 डिग्री वेस्ट, रीचेस एट 45 डिग्री वेस्ट इन 2 आवर, इन 2 आवर, ये टर्निंग पॉइंट है ना। हां तो सर 8 बजे से कोई फ्लाइट से अगर उड़ रहा है तो 45 डिग्री वेस्ट पे पहुंच रहा है 2 घंटे में, 15:30 और ये रहा 45 डिग्री वेस्ट। क्वेश्चन 45 डिग्री वेस्ट में पूछा है, तो सर यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। तो पूछा यही है कि फ्लाइट जब अगर यहाँ पहुंचेगी तो उस समय टाइम क्या हो रहा है, यही पूछा है ना। अरे हाँ है ना। चलो मार्केट में कोई और आंसर आया बताइएगा, तो कहीं बनाते बनाते कहीं नहीं, कभी कभी बोर्ड पे समझाते समय तो लगता है जा जो गलत हुआ गलत हुआ गलत समझते, वो होता है अंदर से आता है वाइब्स आता है वाइब्स। चलिए देखिए, देखो इस क्वेश्चन को ना समझने का एक ही तरीका है, आपको लगेगा 8 बज रहा था ये 2 घंटे में पहुंचिए गया हुआ, तो सर 10 बजा देते तो 10 बजा नहीं सकते क्या, कि वेस्ट में जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और सर सिद्धांत के साथ तो खिलवाड़ कड़ी नहीं कर सकते, प्रिंसिपल्स तो प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो पहले ऐसे सोचो, मान लो आपका फ्लाइट था, आप 30 डिग्री ईस्ट पे फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं 8 बजे, ठीक है, कितने बजे 8 बजे, आप जब 8 बजे आप चढ़े हो तो आपने फोन किया अपने पापा के पास जो 45 डिग्री वेस्ट पे मान लीजिए बैठे हुए हैं। चलो मम्मी का बोल देते हैं, क्या मम्मी पूछती है बेटा कहाँ बढ़ रहा, तो मम्मी ने पूछा कि बेटा चलो लो कि ना चलो लो। सर जिस समय यहाँ पे 8 बज रहा था उस समय वहां पे भी कुछ ना कुछ तो टाइम हो रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं पूछो टाइम ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना भाई, लेट से एक्स वाई जेड एनीथिंग। अरे हाँ है ना, फिर से बोल रहा हूँ हाँ है ना। तो सर अगर 8 बज रहा है 30 डिग्री पे, तो उस समय जब आपने मम्मी को फोन किया या मम्मी ने आपके पास फोन किया तो आपने मम्मी से पूछा मम्मी तुम्हारे यहाँ अभी कितना टाइम हो रहा है, तो सर उसके लिए पहले इसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ का टाइम निकालना होगा कि सर 45 डिग्री कहाँ, सॉरी 30 डिग्री कितना बज रहा है 8, अरे कितना, अब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो माइनस की प्लस माइनस, तो ये रहा 7, ये रहा 6, ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 3, यानी कि जिस समय आप फ्लाइट पकड़े थे और मम्मी को आपने फोन किया था उस समय वहां पे कितना बज रहा था 3, और 3 सुबह का कि शाम का, 3 AM सुबह का ना, अरे सुबह का कि शाम का, सुबह का, और सर फ्लाइट कितना देर में पहुंचाए हैं 2 घंटा में, यानी कि सर 2 घंटा लगा है, तो जिस समय आपने बात किया था मम्मी से उस समय वहां 3 बज रहा था, अब 2 घंटा में आप वहां पे लैंड कर गए तो 3 + 2 कितना बज गया 5, अरे कुछ बुझा रहा है। तो मार्केट में 5 था आंसर, तो जिनका भी 5 था सही है, कितनों को समझ में आया पहले बताओ। इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि जिस समय आप जहां पे थे उस समय वहां का टाइम आपको पता हो जाता तो फिर, क्योंकि इसमें जानते हैं क्या चेंज क्या किया है, चेंज ये कर दिया कि उसने डायरेक्टली बोल दिया ना कि भाई फ्लाइट को 2 ही घंटा में पहुंचना है, फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। तो आपने क्या किया, 8 बजे आप फ्लाइट पकड़ने गए, मम्मी को आपने फोन किया, मम्मी से पूछा कितना टाइम हो रहा है, मम्मी बोली बेटा अभी 45 डिग्री वेस्ट पे 3 बज रहा है, तो आपने बोला मम्मी मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो फ्लाइट 2 घंटे में पहुंच गया, तो पहले यहाँ का टाइम आपने निकाल लिया, जब वहां का टाइम पता है उसमें फ्लाइट जितना देर लगेगा उसमें 2 घंटा ऐड कर दीजिए, यानी कि सुबह कितना बज रहा होगा वहां का 5, तो सर वहां पे 5 AM हो रहा होगा। कुछ बुझाया गया, कुछ मजा आया, अलग ही दुनिया में। सर क्या करेंगे, सर पढ़ाते रहेंगे, हम दही चूड़ा खा लेते। एक क्वेश्चन और लास्ट लिख लो, घर से बना के देना, ठीक है। दिल पे हाथ रख के बोलना कितनों को अच्छा लग रहा है क्लास, हाथ रख के आ गया ना। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लो, फिर कर लो सेम क्वेश्चन है, वन फ्लाइट फ्रॉम, जैसे क्वेश्चन हिंदी में वैसे इसको लिख लेना, सेम वन फ्लाइट फ्रॉम 45 डिग्री ईस्ट, जहां 30 डिग्री था वहां 45 डिग्री ईस्ट कर लो,
एट 6 AM स्टार्टेड एंड रीचेज एट 60 degree वेस्ट इन 4 hours. 60 degree वेस्ट इन 4 hours. देन व्हाट विल बी द टाइम? वो तो आप बोलोगे यूनिक. देन व्हाट विल बी द टाइम एट 60 degree वेस्ट? देन व्हाट इज द टाइम एट 60 degree वेस्ट? आप बोलोगे तो थोड़ा इसे चुटकी में निकाल लेंगे. और चुटकी में क्या क्या रीचिंग टाइम? हाँ, रीचिंग टाइम. रीचिंग टाइम यही तो उसमें मेन है, रीचिंग टाइम. अभी मैं जस्ट इसके बाद वही चेंज करने वाला था. अभी मैं चेंज करना था रीचिंग टाइम से, मतलब नहीं था मुझे वहां का टाइम चाहिए था, लेकिन पूछ लिया इसने पहले. हाँ हाँ, व्हाट विल बी द टाइम एट 60 degree वेस्ट? 60 degree वेस्ट पे क्या हो रहा होगा जब फ्लाइट पहुंचा तब? अब यही क्वेश्चन को खाली चेंज कर दिया जाएगा ना कि सर 60 degree पे क्या हो रहा होगा, तो फिर सर ये 2 hours या 4 hours का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. फिर आपको सिर्फ ये निकालना है कि 60 degree वेस्ट पे टाइम हो क्या रहा है उस समय बस. लेकिन जैसे ही बोलेंगे फ्लाइट के पहुंचने पे क्या हो रहा होगा, तो फिर वो 2 घंटा 4 घंटा ऐड करना पड़ेगा. अब तो बना लोगे ना? चलो, मजा आया? अरे है ना, तो बोलो. जिसका नहीं बना होगा उसको भी मजा आएगा, जिसको बना होगा उसको भी मजा आएगा. सॉल्यूशन जानबूझ के बनाए. आमतौर पर मैं बोला ना, आप लोगों को बैच वाले को ज्यादा मानता हूँ, सॉल्यूशन मैं आमतौर पर जल्दी नहीं बताता हूँ. तो जल्दी बता दे इसलिए कि आप लोगों को नहीं लगे किसने मारा था, अशोक ने मारा था कि चंद्रगुप्त ने मारा था. वो चाकू चलता रहा, उसमें भी दिखा देगा जूता ढाब सीरियल में. मम्मी जान दे रही है, परेशान है मम्मी, सब्जी बना रही है. उधर से पापा पूछ रहे हैं आज कौन सा मसाला डालेंगे, पता नहीं अशोक ने किसको मारा था. वो अलग चल रहा है उनका, मम्मी का. सीरियल्स का अपना अलग क्रेज है, इसीलिए बॉयज के लिए आ गया OTT. बॉयज लोग सीरियल नहीं देखते थे, उसी चीज को ला दिया गया वेब सीरीज. और देखते रहो महामहिम, आश्रम, ताश्रम, देखते जाइए. हो गया, देखेगा नहीं OTT, फालतू चीज है. जो अच्छा होगा वही देखिए. पूरा पढ़ा दिया हूँ. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन इधर बिना देखे मैं इधर देखो. रिवॉल्यूशन मार्ट एग्जैक्ट क्या है बताओ, एग्जैक्ट कितना टाइम देता है एक रिवॉल्यूशन में, एक परिक्रमा में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, जो कि अप्रोक्स कितना, 6 घंटे. इसीलिए 4 साल में क्या हो जाएगा, लीप ईयर. यहाँ तक क्लियर है? अरे सुनो, ही सुन रहा हूँ. अरे हड़बड़ा के जाना मत यार, रुक जाओ 2 मिनट, भागना मत. रोटेशन कितना लेगा टोटल टाइम? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, जो कि अप्रोक्स कितना होगा, 24 घंटा. क्लियर है? लॉन्गिट्यूड वाला तो क्लियर हो गया होगा. अब जो जो क्वेश्चन घर के लिए दिए हैं वो बना लेना, और 3-4 क्वेश्चन खुद से सोच कर अभी और दूंगा वो बना लेना, ठीक है? बाकी मैंने बोला था पेज निकाल लो एक बार, जल्दी से 2 मिनट दो, भागो मत. रियल और जेन्युइन फीडबैक जल्दी से दो, जो आपको भी दिक्कत लग रहा है और जो आप चाहते हो कि चेंज, एकदम सीरियस दो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है. आपको भले कुछ लगे नहीं लगे, ये नहीं कि सर को आपको बोला मैंने, आपके बोलने से ना मैं खुश होता हूँ ना किसी के बोलने से मुझे दुख होता है. सिंपल सा लॉजिक है, जेन्युइन जो चीज लग रहा है आराम से आप दे दीजिए, मैं आराम से उसके सेल्फ रिस्पेक्ट करूंगा. फीडबैक आप अपना दे दीजिए कि सर ये चीज़ और हो जाता तो ठीक रहता, बाकी मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो प्लस में इधर रख दीजिए, माइनस में इधर, और लिख के दे दीजिए. बस वो काम आएगा, मेरे लिए काम आता है, मैं हमेशा अपडेट करता हूँ, बाकी तो मैं खुद से सोचता ही रहता हूँ. जल्दी करिए और उसके बाद फिर निकलते हैं. टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है तो चिंता नहीं करना है. पहले क्लास का पूरा शेड्यूल याद है? अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थीम 1 पढ़ रहे हैं. टोटल थीम कितना है कि सर? थीम 1 पढ़ेंगे, थीम 2, थीम 1. थीम 1 एक दो दिन में खत्म हो जाएगा. और याद रखो जिसका थीम 1 क्लियर नहीं है उसको थीम 2 और थीम 3 गायब हो जाएगा. मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, कुछ तो समझ में नहीं आएगा. अब आगे आते हैं नेक्स्ट. सर थीम 1 में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका बेसिक्स पढ़ चुके हैं, पूरा सारा कुछ कर चुके हैं. मिलते हैं अपन कल, फिर कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले फीडबैक लेके जाएंगे.